दोस्तों आप देख रहे हैं टेक एन ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों फाइनेंस के मोबाइल फोन के स्क्रीन पे तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। टाइटल और थंबनेल से आपको पता चला होगा कि भाई हम किस एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर दोस्तों बात करने वाले हैं। दोस्तों आ चुकी है 2023 और 2023 के अंदर में दो ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूं जिसके मदद से आप मैक्सिमम लोन ले सकते हैं, वो भी लो सिविल स्कोर के ऊपर भी। बिना इनकम प्रूफ के अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए दोस्तों बेहतर साबित हो सकती है। आधार पैन के बेस पे ये दो एप्लीकेशन वर्क करती है। क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सब कुछ दोस्तों इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों बनाई गई है और आज आपको बताऊंगा भी कि कौन सा एप्लीकेशन किस तरह से काम करने वाली है। जितने एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों बताऊंगा हर एक एप्लीकेशन के बारे में पर्टिकुलर वीडियो बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो जो बनाई जा रही है सब्सक्राइबर बेस के ऊपर ये दोस्तों वीडियो बनाई जा रही है। काफी लोगों के मन में क्वारी थी, सिविल स्कोर बिल्ड करना चाहते हैं, लो सिविल के ऊपर लोन लेना चाहते हैं, आधार पैन के ऊपर लोन लेना चाहते हैं, तो इन एप्लीकेशन की तरफ आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले एप्लीकेशन के बारे में तो ये है नावी पर्सनल लोन एप्लीकेशन जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। कई तरह का लोन ऑफ प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। पहले नंबर पर इस एप्लीकेशन को इसलिए रखा है कि यहाँ पर कोई भी इनकम प्रूफ का कोई चक्कर नहीं है, बिना इनकम प्रूफ के आप घर बैठे लोन ले सकते हैं। बट इसमें थोड़ी सी कमी ये है कि अगर आपके 750 से ऊपर आपके सिविल स्कोर है या फिर 750 है तो भाई डेफिनेटली आपको एक यहाँ पर एक अच्छा लोन अमाउंट मिलता है और उसे आप इजीली ईएमआई में लोन की चुकता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके डिमांड के ऊपर दोस्तों ये वीडियो बनाई जा रही है। हालांकि इस एप्लीकेशन के बारे में लगभग सबको पता होगा, मैं यहाँ पर दो एप्लीकेशन को सिर्फ चूज किया है जो 2023 में बेहतर तरीके से वर्क कर रही है और लोन लेकर अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने दो एप्लीकेशन को यहाँ पर मैंने चुना है। ये पहले एप्लीकेशन निकल के आ रही है, ये दोस्तों एप्लीकेशन जो है एकलौता ऐसी एप्लीकेशन है जो मैक्सिमम लोन 20 लाख रुपए दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 महीनों से लेकर 72 महीनों का दोस्तों समय मिल जाता है लोन भुगतान करने के लिए। अब इस एप्लीकेशन के फीचर की अगर हम बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, तो आपको जैसा कि बताया कि 20 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन मिलेगा, वो भी सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर। इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी गलत बात ये लगती है, अगर आपके सिविल स्कोर 750 से नीचे है तो कम चांसेस होगा कि आपको लोन मिलेगी। एक चीज ये भी याद रखिएगा, अगर आप पहले से कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आपने लोन ले रखा है, चाहे बैंक हो या फिर एनबीएफसी फॉर्म के जरिए से, चाहे वो लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, अगर उनकी ऑन टाइम पेमेंट नहीं किए होंगे, क्रेडिट हिस्ट्री ठीक ठाक नहीं होगी, तो ऐसे में लोन आपको यहां पर नहीं मिलेगा। एक चीज याद रखिएगा, अकाउंट आपकी जो होगी ओवरड्यू नहीं होनी चाहिए। पिछले लोन अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं, जैसे एक्टिविटी करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी सिविल बूस्ट होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्रेडिट हिस्ट्री रची जाती है, उसी के आधार पर दोस्तों आपको लोन की लिमिट से आपको यहां पर मिलती है। जैसा आपका रहता है वैसे आपको यहां पर लोन मिलता है। 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात किया जाए तो यह देख सकते हैं 9.9% से लेकर मैक्सिमम साल का 45% दोस्तों चार्ज करती है। 3 महीनों से लेकर 72 महीनों का समय मिल जाएगा लोन भुगतान करने के लिए, जो कि फ्लेक्सिबल लोन रिपेमेंट करने की सुविधा आपको यहां पर मिलती है, यानी आप ईएमआई में ही लोन की चुकता कर पाएंगे। 100% डिजिटल प्रोसेस है, कहीं भी बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। आप इसी एप्लीकेशन से ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई दोस्तों यहां पर कर पाएंगे, इंस्टेंट अप्रूवल मिलने के साथ बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर किसी तरह का कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि अगर आप यहां पर लोन अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे भी करते हैं कि आपसे पहले से एडवांस पैसे मांगती है, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर आपको लोन प्रोवाइड कराती है। यहां पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने इस एप्लीकेशन को पहले नंबर पर रखा है। आपको किसी तरह का कोई भी एडवांस पैसे आपको यहां पर दोस्तों देने की जरूरत नहीं है। आपको मिलता है यहां पर बिना इनकम प्रूफ के लोन, मैक्सिमम लोन 20 लाख रुपए। इस एप्लीकेशन के अंदर अगर बात किया जाए कि किस तरह से लोन अप्लाई करना है, किस तरह से हमें अप्रूवल मिलती है, क्या क्या आगे पड़ाव हमें देखने को मिलेगा, किस तरह से बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे, मैंने वो सारे प्रक्रिया बता रखा है। डिस्क्रिप्शन पार्ट आप दोस्तों जरूर चेकआउट आप कर लीजिएगा। लोन लेकर 35,000 रुपए का दिखाया गया है, वो भी ईएमआई में ही लोन की चुकता आपको दोस्तों यहां पर करनी पड़ती है। इन एप्लीकेशन के मदद से आप होम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आप यहां पर दोस्तों कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल मेल आईडी के जरिए से संपर्क कर सकते हैं, कोई क्वारी है तो पूछताछ कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको लगभग सभी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दिया है जो आपको जरूरत है।
तो दोस्तों ये है पहला एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन की खास बात ये भी है दोस्तों कि यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग फी नहीं ली जाती है, ठीक है। हो सकता है ये ऑफर के अकॉर्डिंग भी चल रहा हो, अलग बात है, लेकिन कभी कभी आपको यहाँ पर जीरो प्रोसेसिंग फी के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। बहुत ही कम ब्याज के ऊपर दोस्तों कहीं ना कहीं लोन आपको ये मिलता है। मैंने आपको लोन लेकर भी दिखाया है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, लोन लेने की प्रक्रिया मैंने बताया है। तो दोस्तों ये था पहला एप्लीकेशन जो कि आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही लोन प्रोवाइड कराती है। ध्यान रखिएगा ये पूरे भारत में एप्लीकेशन काम नहीं करती है, लगभग 92% एरिया कवर इन्होंने कर लिया है जो लोन प्रोवाइड कराते हैं, उन एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। 92% एरिया इंडिया में कवर कर चुके हैं जहां ये लोन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये पूरे भारत में ऐप काम नहीं करती है, ये जी भी चीजें हम आपको क्लियर कट बता दे रहे हैं। खैर ये बात की बात है, ये तो हो गई भाई पहली एप्लीकेशन के बारे में। चलिए दूसरे एप्लीकेशन के बारे में भी हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम दूसरी एप्लीकेशन के बारे में अगर बात करें तो ये है माई मनी, जो कि IIFL फाइनेंस द्वारा ही दोस्तों ये लोन आपको यहाँ पर सैंक्शन कराती है, ठीक है। आपको यहाँ पर बिजनेस लोन भी मिलता है, पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। पर्सनल लोन आप जिस किसी चीज के लिए भी लोन लेना चाहते हैं आप यहाँ पर ले सकते हैं, बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं या फिर पर्सनल एक्सपेंस के लिए लोन लेना चाहते हैं वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों खास बात क्या है कि अगर आप पर्सनल लोन तरफ जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ भी आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही लोन मिलता है। आप भारत में कहीं से भी हो ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितना बढ़िया आपको यहाँ पर दोस्तों सिबिल स्कोर मिलेंगे उतने बढ़िया दोस्तों आपको लोन अमाउंट यहाँ भी देखने को मिलता है। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, ये दूसरे नंबर पर एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पर निकल के आती है। 2,00,000 रुपए तक का मैक्सिमम लोन देखने को मिल सकता है। अगर आपके सिविल स्कोर बढ़िया होता है, 600 से ऊपर है, 650 से ऊपर है, पिछला कोई भी लोन अकाउंट ओवरड्यू में नहीं है, कोई भी डिफॉल्टर नहीं किए हैं, तो भाई डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अच्छा अमाउंट आपको देखने को मिल सकता है, बड़े अमाउंट की तरफ आप जा सकते हैं अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो। ये भी दोस्तों आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही लोन प्रोवाइड कराती है, कहीं भी बैंक ब्रांच विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दो एप्लीकेशन ऐसे थे जो मैंने आपको बताने की ज्यादा कोशिश किया है 2023 में लोन लेने के लिए। उन लोगों के लिए दोस्तों ये एप्लीकेशन ये बेहतर साबित होने वाली जो EMI में लोन लेना चाहते हैं, बिना इनकम प्रूफ के लोन लेना चाहते हैं। ये दो एप्लीकेशन जो है RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से ही लोन मिलता है, सिविल स्कोर के ऊपर ही दोस्तों आपको यहाँ पर लोन मिलता है। आधार कार्ड पैन कार्ड तो रिक्वायरमेंट है ही, ये तो आपको दोस्तों यहाँ पर देना ही होगा। इस एप्लीकेशन के अंदर में भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। 45,000 रुपए का लोन लेकर भी दोस्तों दिखाया गया, वो भी लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ। वीडियो को सबसे पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही दोस्तों लोन के लिए अप्लाई करेगा, नहीं तो अदरवाइज एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट होगी तो आपको पूरे 90 दिनों के बाद ही दोबारा आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो पहले गलती ना करें, पहले देख लें, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करिएगा, वो भी जरूरत पड़ने पे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है पर्सनल लोन, बिजनेस लोन ले सकते हैं, करंट अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं। खैर ये बात की बात है, यहाँ पर मैं पर्सनल लोन्स के बारे में दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इजी लोन प्रोसेस है, सारे एप्लीकेशन जो ये काम करती हैं ऑनलाइन ही प्रोसेस करती हैं, कहीं भी बैंक ब्रांच विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन ही मिलता है। बिजनेस लोन के मामले में भी दोस्तों यहाँ पर किसी तरह का कोई डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी आपके सिविल स्कोर आप बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको लोन यहाँ पर मिलता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फिलहाल बिजनेस लोन के बारे में। अगर आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होगी, यानी बिजनेस का डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लोन मिल जाती है। तो ये तो हो गई बात भाई बिजनेस लोन्स के बारे में। अगर दोस्तों अगर आप भारत के नागरिक हैं, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 650 से ऊपर आपके सिविल स्कोर या फिर 650 है, तो भाई डेफिनेटली आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जरूरत पड़ने पे दोस्तों आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगी जा सकती है। हालांकि मैं जानता हूँ कि पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं तो आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही लोन मिलता है। इनके NBFC फॉर्म्स के बारे में अगर बात करें कि जिस के जरिए से ये लोन सेक्शन करते हैं, लोन आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो है IIFL फाइनेंस। लगभग आप इसके बारे में सभी को पता होगा, सारे प्रक्रिया आप एप्लीकेशन के माध्यम से ही आप कर पाएंगे। 100% पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ लोन मिलता है, 2,00,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, कहीं भी बैंक ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि लोन डिसबर्समेंट होने में थोड़ा समय यहाँ पर दोस्तों लग जाता है, वो भी आपके बैंकिंग आवर में ही आपके बैंक खाते में पैसे को डिस्पर्स किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात किया जाए तो 18% से लेकर आप देख सकते हैं साल का यहाँ पर 28% दोस्तों मैक्सिमम चार्ज किया जा सकता है, और 3 महीनों से लेकर मैक्सिमम 12 महीनों का समय मिल जाएगा लोन भुगतान करने के लिए। तो ठीक है, देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, लो प्रोसेसिंग के साथ आपको लोन यहां पर दोस्तों मिलता है।
अब डिपेंड करेगा आपके ऊपर लोन लेना नहीं लेना। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना कि भाई 2023 में बेहतर एप्लीकेशन कौन सी है, मैक्सिमम लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन कौन है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कट बता दिया है। दोनों एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराती है, आरबीआई अप्रूव है, एनबीएफसी फॉर्म के जरिए से ही आपको लोन दोस्तों यहाँ पर मिलता है। तो ये है आईएफएल फाइनेंस द्वारा माई मनी एप्लीकेशन के जरिए से ही लोन आप ले पाएंगे और आईएफएल फाइनेंस द्वारा ही आपको लोन सैंक्शन करी जाती है। ध्यान रखिएगा इन दोनों एप्लीकेशन से भविष्य में अगर आप लोन लेते हैं तो ऑन टाइम पेमेंट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक रजिस्टर्ड कंपनी है, ऑन टाइम पेमेंट करिएगा तो आपके लिए ही बेहतर साबित होने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आए होंगे। दोनों एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप लोन लेकर आपको दोस्तों दिखाया गया है, वो भी लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।